वेलकम टू ऑल लीडर्स। आपको भी मेरा सभी को बहुत बहुत नमस्कार आज के इस मीटिंग में, जो कि बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाली है, जो कि बहुत ही यूजफुल मीटिंग होने वाली है। वैसे हर रोज मीटिंग यूजफुल होती है हर एक डे के लिए, मैं मानता हूँ इस बात को, पर आज कुछ स्पेशल ही है। और आज जो हमारे मीटिंग के आज स्पीकर हैं, वो सभी आप लोग सभी उनसे भली भांति परिचित है, उनको कोई यानी मैं उनके बारे में जितना भी बोलूंगा वो उतना ही कम ही होगा। वो ऐसे हस्तियत हैं जो आज इस एटमी में आज बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं और अपनी मेहनत के वजूद पे वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। वो अपने जॉब भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही इस एटमी बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं और इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आज वो अपने मेहनत के बजूद पिछले 2 साल से इस एटमी कंपनी में हमारे काम कर रहे हैं। और पिछले सितंबर 2019 से वो सुपर एक्टिव होकर, मतलब बिना एक दिन गंवाए भी, कि ऐसा एक दिन भी नहीं जाता हूँ कि वो उसको अपने यानी बिजनेस को ग्रो करने में कुछ अपना कार्य काम कार्यक्रम या कोई भी वर्क ना करते हो। मीन सितंबर 2019 टू टिल डेट दे आर ही इज एक्टिंग एक्टिवली वर्किंग ऑन द एटॉमी बिजनेस। और वो और कोई नहीं, हमारे सबसे सीनियर अरुण मीना सर है। और उनके बारे में दोस्तों क्या बताऊं मैं, आप खुद ही जानते हैं कि देखिए उस मेहनत पे आज वो ऑटो सेल्स मास्टर पे पहुंच गए, जो कि एक बहुत ही हम सबका ये लेवल है। हम चाहते हैं कि उस लेवल पे हम पहुंचे, पर वो लेवल मेहनत के बूते पे ही काबिल, यानी हम पहुंच सकते हैं उस लेवल पे। उनको इसमें 2 साल लगे, जरूरी है 2 साल, पर कंपनी हमारी नवंबर में स्टार्ट हुई है। अब आप सोचते होंगे कि 2 साल के वो पीछे से उसे वर्कआउट कर रहे थे, तो 2 साल में देखिए वो ऑटो सेल्स मास्टर पे पहुंच गए हैं, उससे भी पहले ही पहुंच गए थे बल्कि। तो हमें भी ये शिक्षा मिलती है उनसे कि हम भी अपने इसमें अगर मेहनत करेंगे तो उस लेवल पे आराम से पहुंचा जा सकते हैं। और मैं ज्यादा देर न करते हुए, और मुझे ज्यादा पता भी नहीं है इतना, पर बस जितना पता था उतना मैंने बताया, बाकी की बात अरुण मीना सर करेंगे। अरुण मीना सर, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस मीटिंग टुडे। थैंक यू अरुण मीना सर। थैंक यू नितिन जी, बहुत शानदार सर, थैंक यू, इतना ज्यादा आप मेरे बारे में बता दिया, बहुत है सर। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ और हाँ, मेहनत करने में बिलीव करता हूँ। और एक छोटी सी बात कही आपने, 2 साल, सच बात है, अगर आपने भी इस 2 साल को दिया तो 200 साल आपके, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, बातों को, जिसने 2 साल बिना रुके बिना थके दिलो दिमाग में अगर उसके सिर्फ और सिर्फ एटमी हुआ, फोकस ऑन, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, कुछ सेक्रीफाइस उन्होंने जीवन में करे, चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ सकता है, अगर वो 2 साल दे सकते हैं तो 200 साल आपके। अगर इस चीज को जो समझ जाएंगे वो एटॉमी को कर जाएंगे, नहीं तो कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। तो थैंक यू नितिन जी। और आज हमारा टॉपिक है फिर से सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे हम लोग बात करेंगे। ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे लगा कि आपने बोला है तो वो बतानी चाहिए सबको। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, मैं अरुण मीना आप सबका स्वागत करता हूँ। और फिर से इस मीटिंग में हम लोग कोशिश करेंगे क्या करना है, सिर्फ करने पे ध्यान देना, क्या करना है, करने पे ध्यान देना है, सीखने पे ध्यान देना है, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, उस पर एक्शन जरूर लेना है। मतलब कि आपको हमेशा सीखते रहना है, नेवर एंडिंग कहते हैं ना, कंस्टेंटली आपको कभी भी जो कहते हैं सीखना बंद नहीं करना है, इम्प्रूवमेंट हमेशा करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और जो आप जिसको कहते हैं अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट करेंगे उसको हमेशा जिसको कहते हैं करते रहना, मतलब कि जो आपने सीख लिया उसको जरूर करो। आज मान लीजिए एग्जाम्पल, छोटी सी चीज सीखी आपने तो उसको कल जरूर उसको जिसको कहते हैं दोहराओ और उस पे एक्शन लो, या उस जो टिप सीखी उसको करने की कोशिश करो। अगर ये पॉसिबल है करना तो आप समझ लीजिए फिर आपका जीतना सुनिश्चित है, मतलब कि हर हाल में आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो मतलब कि पहले लर्निंग और उसके बाद एक्शन, पहले सीखिए फिर एक्शन लीजिए और फिर कमाइए। तो थैंक यू। अब हम कुछ बोलना चाहते हैं सर, बोलिए। नहीं नहीं, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सर, वेलकम, और थैंक यू सभी का, आप सबका भी, और इस जूम मीटिंग में अभी हम 20 लोग हैं,
तो शायद 20 लोगों के लिए ही ये मीटिंग है, या जो बाद में आएंगे उनके लिए भी हो जाएगी। तो हमको एक चीज समझ लेनी है कि जब तक हम किसी भी काम को लगातार नहीं करेंगे, हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक्सपर्ट बनना है हर फील्ड में, जो भी आप काम करें, कोई भी फील्ड हो सकती है। वो हमारी फील्ड आज जिसको कहते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसको कहते हैं अपने कैरियर को बिल्ड कर रहे हैं, अपना जिसको कहते हैं एटॉमी में अपने आप को जिसको कहते हैं सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेली करना पड़ेगा, चाहे एक ही घंटा हो, रोज करना पड़ेगा। देखो, एक बहुत सारे लोगों का मानना यह है रोज में मीटिंग में तो आते हैं, मीटिंग में केवल आप सीखते हैं, इसको करने का टाइम भी देना पड़ेगा आपको। सीखने के बाद करना भी तो है, जितनी देर में आप सीखे हैं उतना टाइम करने में भी जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू, अब हम आगे चलते हैं और आपको बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बदलाव हो चुका है पुराने जमाने से और आज के जमाने में। कुछ लोगों को लगता था कि अब पॉसिबल है नहीं, मैं किसको बताऊं और कहाँ जाऊं, और मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई है। अल्टीमेटली लोग कहते थे मेरे फोन बुक में 200 लोग थे, 200 में से मैंने छांटे थे 100 लोगों को मैं बता सकता था, या 150 को बता सकता था, या मैं 200 को ही बता सकता था, सबको बता दिया, अब मैं क्या करूं, कहाँ से अपने लिए नए लोग लाऊं, कहाँ ढूंढूं, किसके पास जाऊं। तो हमारे पास सबसे बड़ा माध्यम है, उसको कहते हैं सोशल मीडिया। क्यों सोशल मीडिया पे हमको जाना पड़ रहा है, मुझे लगता है कितने लोगों को पता है, नहीं पता, मैं जरूर बताऊंगा। हम लोग इस बिजनेस को सोशल मीडिया पे क्यों बताना शुरू कर रहे हैं, क्या आपको पता है पहले हम लोग जिसको कहते हैं कैसे बताते थे और आज हम कैसे बताते हैं। हमको अपने बिजनेस में, हमने कई बार कहा है, लोगों की जरूरत है, पीपल, हमको लोग चाहिए हमेशा इसमें। तो लोग हमें कहाँ मिलेंगे, पहले मिलते थे हमको गली मोहल्ले में, कहाँ मिलते थे, गली मोहल्ले में, शादी पार्टी में, या फिर किसी रिश्तेदार के हम लोग घर जाते थे या कहीं। लेकिन आज लोग कहाँ मिलते हैं, आज लोग कहाँ मिलते हैं, कितने लोगों को पता है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या, आज लोग कहाँ मिलते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपको किसी को ढूंढना हो तो वो आप कहाँ ढूंढेंगे, अगर एक दो लोग भी अगर चैट बॉक्स में लिख सकें। क्योंकि देखिए आपका ये मैं ये क्वेश्चन इसलिए करता हूँ ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि आपको अपनी टीम में जो भी चीज सिखाई जाए, अगर वो डुप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप उसको दूसरे को नहीं सिखा पाओगे तो बेकार है। तो इसलिए आपको इसी तरह से कुछ ना कुछ पूछना चाहिए। लोग आज फोन पे हैं, हर किसी के हाथ में, अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जाओगे तो फोन में लगा है, आप शादी पार्टी में जाओगे तो फोन पे लगा है, आप जब देखोगे वो सोशल मीडिया पे लगा। तो अल्टीमेटली लोग कहाँ हैं, फोन पे, सोशल मीडिया पे हैं, इसलिए हमको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं तो पहले लोगों के घर जाना पड़ता था, ऑफिस जाना पड़ता था, शादी पार्टी में गए तो उनको वहां पे बताना पड़ता था, आज हमको सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताना पड़ता है क्योंकि लोग वहीं पर बिजी हैं। तो थैंक यू, मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा कि क्यों इम्पोर्टेंस है सोशल मीडिया की। आप उनके थ्रू उनके भी लोगों के पास जा सकते हो घर बैठे, वर्क टू होम जो हम लोग कहते हैं, हमारा बिजनेस है वर्क टू होम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, छोटी छोटी चीजें हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, वैसे मैंने कई बार बता दिया है। तो आप लोगों को रील्स का प्रयोग हमने पहले बताया था, तो रील्स का प्रयोग छोटे वीडियो जो भी कंपनी देती है, या 1 मिनट का वीडियो विद प्रोडक्ट जो आप उसको बोलना चाहते हैं, या 30 सेकंड में, आपने देखा होगा छोटे छोटे बिना कुछ मूवमेंट के, बिना कुछ बोले भी आजकल देखो कहते हैं वीडियो बनते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका प्रयोग करें।
मतलब कि कुछ क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है अगर आप सोशल मीडिया में अपना ब्रांड या लोग आपको पहचाने, वो करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करेंगे तो पॉसिबल है आपको जिसको होते हैं लोग पहचानने लग जाएं और वो आपके काम आने लग जाएं, वो आपसे पूछने लग जाए कि ये है क्या, आप इसको डालते हो, ये है क्या, आप क्या बताना चाहते हो, तो वहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी। टाइम लगेगा लेकिन इतना नहीं लगेगा कि आपको रिजल्ट ना आए, तो डिपेंड होता है आपकी नॉलेज पे, आपके कंटेंट पे, आपके वीडियो पे, आपके एफर्ट पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे कि मैं चलाऊंगा तो मेरा वॉइस थोड़ी देर के लिए जाएगा, फिर भी मैंने एक रील को जिसको कहते हैं यहाँ पे अपलोड किया, तो मैं चलाता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कितने लोगों ने इसको, एक घंटा हुआ है, क्या कुछ लोगों ने देखा इसको। अब मैं वापस आया हूँ, मेरी आवाज मुझे लगता आ गई होगी। यस सर, राइट। तो ये जो रील्स है ना, ये आजकल क्यों जरूरी है, क्योंकि छोटा सा जिसको कहते हैं ना वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे, और इस पे ये सबसे ज्यादा चलता है। ऐसे में इसको ना स्क्रॉल करता रहता हूँ, कोई भी करता रहता है, जब कोई खास चीज अट्रैक्टिव सा, छोटा सा जो वीडियो होता है ना बड़ा अट्रैक्टिव सा बनता है, एटमी का वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, वो बड़ा मैसेज देता है, वो लगातार लोग क्या कर रहे हैं उसको वॉच कर रहे हैं, आपको लगातार देख रहे हैं कि आप किस तरह का वीडियो डाल रहे हैं, किस प्रोडक्ट का डाल रहे हैं या किस प्रॉब्लम का डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा देखो कहते आजकल, मतलब ये कहते हैं ना हाईलाइटेड है बहुत ज्यादा रील्स का प्रयोग जरूर कीजिएगा। पहले ये फेसबुक पे नहीं था, अब ये फेसबुक पे भी आ चुका है, ये पहले इंस्टाग्राम पे ही था। तो इंस्टाग्राम पे डाल के आप फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये आप चाहो तो कर लीजिएगा, आपका अगर इंस्टा पे है तो। अन्यथा हम लोग जिसको कहते हैं पोस्ट ही हम लोग ज्यादातर डालते हैं। यहाँ पे मैंने वैसे कई बार बता दिया है कि हमको पोस्ट कैसे डालना है, मैसेंजर पे कैसे ले जाना है। मैसेंजर पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैसेंजर पे मैंने कुछ शेयर किया, मैंने कितनों को कर दिया, मैं अपनी तरह से करता हूँ। अब मैंने यहाँ आप देखोगे यहाँ पे मैंने बांग्लादेश को भी टारगेट किया और मैंने यूके को भी टारगेट किया, मैंने अभी कनाडा को भी टारगेट किया, वहाँ से रिस्पांस आया, लेकिन ज़्यादातर जिसको कहते हैं हर कोई अपनी चीज़ बेचना चाहता है, अपनी चीज़ बताना चाहता है। मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे अगर दिखाऊँ तो ये देखिए, अभी भी जिसको कहते हैं ये इन्होंने मुझे मैसेज किया, हेलो डियर, ये जस्ट अभी है और बिल्कुल आज ही का है, ये आप देखेंगे तो कनाडा, इनका नंबर और कहीं का लेकिन ये कनाडा बोलते हैं, पता नहीं क्यों, ये मेरे को समझ में नहीं आता, ऐसे ही यूके का। तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा अपने आप लोग आपको सर्च करेंगे, जैसे मैं अभी आपको दो तीन और दिखाता हूँ, उन्होंने मुझको अप्रोच किया, मैंने नहीं किया, ये यूके से, हुना नाम है इनका, तो इन्होंने अपनी चीज बेचने के लिए, लेकिन मैंने अपनी चीज बता दी। ये है इंडोनेशिया से, इन्होंने भी जिसको कहते हैं अपने बिजनेस के लिए, लेकिन मैंने अपनी चीज भी मेरे को इनको बतानी है। तो अल्टीमेटली ये भी है यूके से, देखिए इन्होंने भी जिसको कहते हैं अपनी चीज, तो अल्टीमेटली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये यूएसए से हैं, ये इन्होंने भी जिसको कहते हैं अपनी चीज मुझे बताई, लेकिन मेरे पास क्या हुआ, ये हांगकांग से हैं। तो अल्टीमेटली जब आप बने रहेंगे ना, जब ऐसा कुछ करेंगे कि लोग आपको जाने, तो अल्टीमेटली ऐसी पोस्टिंग होनी चाहिए, ऐसे ग्रुप में आपका देखो कहते हैं पोस्ट होना चाहिए जिससे उनको लगे कि ये कोई है और इसी तरह का काम करते हैं। जब ऐसा कुछ होगा तभी तो हमको वो अप्रोच करेंगे, नहीं तो इन जनरल हर किसी को कोई अप्रोच नहीं कर सकता ना। तो ये समझना है आपकी पोस्टिंग, आपके ग्रुप वाइज, और आप कौन से ग्रुप में क्या कंटेंट डाल रहे हो, या फिर आप किसको अप्रोच कर रहे हो। मान लो मैंने यूके को अप्रोच किया तो यूके वाला एक कुछ मैसेज होना चाहिए मेरा, या फिर यूएसए को मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो यूएसए में मैं आप किस पर्सन को या किस कैटेगरी के लोगों को मैं अप्रोच कर रहा हूँ।
ये जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल के लिए मैंने स्टार्टिंग में जिसको कहते हैं नितिन जी, मेरी आवाज आ रही है क्योंकि वीडियो चल गया सर? बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल क्लियर, अभी आवाज आ रही है। जैसे जैसे हमने एटमी जैसे ही लॉन्च हुआ तो हमने ये वाला मैसेज जिसको कहते हैं सारे जितने भी यूके के ग्रुप थे मैंने उनमें डाला। तो ऐसे ही आपको समझना है कि किस समय कहाँ पे ज्यादा आपको वर्क करना है, यूके पे करना है, टर्की पे करना है, या नेक्स्ट किस पे करना है, अप्रोच किसको करना है, और वहां पे उस ग्रुप में जाके पर्सनली उनको हाय हेलो करना है, देखना है, प्रोफाइल में जाना है। मेरी बातें थोड़ी सी ना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट करेंगे क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, मैं पहले भी बता रहा हूँ। आप सोचो कि हमने किया हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने भी किया अभी तक भी जिसको कहते हैं नहीं हुआ, तो डिपेंड है, हो रहा है, मेरे थ्रू हो या किसी के थ्रू, वो हो जाता है राइट। तो हमने क्या करना है, अगर ये यूके वाला है तो यूके से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उसमें, अगर आप नीचे देखोगे 23 शेयर्स, अगर आप देखोगे इसमें ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं क्या 23 लोगों को, 23 ग्रुप में मैंने शेयर किए हुए हैं, वो यूके के ग्रुप थे। मैंने यूके का अगर मैसेज बनाया तो वो यूके में मैंने भेजा, मैं यूएसए में नहीं भेजा। आप भी बिल्कुल, आप एग्जांपल के लिए मान लो यूएसए मैं करता हूँ, इंडियंस को ही मैं ज्यादातर इंडियंस वाले ग्रुप में जाता हूँ, मैं बिल्कुल बहुत क्लियरली लिखता हूँ कि आपको ये अपॉर्चुनिटी है मेरे पास जो यूके में या यहाँ पे ये लॉन्च हुई है, तो क्या आपको चाहिए। और उसके बाद मैं उन्हीं ग्रुप के अंदर जाके उनकी प्रोफाइल में घुसता हूँ, किसी भी पर्सन की प्रोफाइल में हम लोग घुस सकते हैं। प्रोफाइल में कैसे घुसेंगे, उस ग्रुप में जाएंगे हम लोग, एग्जांपल के लिए हम लोग चलते हैं ग्रुप्स में, मैंने वैसे पहले भी बताया था फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे एक ये ग्रुप में, अब यहाँ पे जिसको कहते हैं ये पर्सन हैं, यहाँ पे इनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब इनके अंदर प्रोफाइल में इनकी प्रोफाइल को व्यू करना है, देखना है ये कहाँ से हैं, क्या करते हैं, लास्ट पोस्टिंग इनकी क्या क्या है। यहाँ स्लो है, पता नहीं क्या कारण है अभी, क्योंकि या तो ज्यादा मेंबर्स होते हैं कभी कभी, इसका भी है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मेंबर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी सारी की सारी, उसमें से आपको जज करना है कि एक तो कौन पर्सन हो सकते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उसकी प्रोफाइल से जज कर सकते हैं या फिर अंदर जा जाके आपको देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आप उनको यहाँ से, या फिर मैसेंजर पे जा सकते हैं, हाय हेलो आप मैसेंजर पे भी कर सकते हो, मैं भी करता हूँ राइट। तो ये अभी बहुत स्लो हो रहा है, नहीं कह रहा हूँ, अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आ रहा है 2.9K, इतने मेंबर्स इसमें हैं, इसमें हर हर जगह के नंबर मतलब मेंबर्स होंगे, इंडिया के भी होंगे, चाइना भी हो सकता है, यूएसए भी हो सकता है, या और भी हो सकता है ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह से आपको किसी भी कंट्री को अगर आप सोचते हो कि इसको टारगेट करना है, जिसमें आपको लगता है ना आप बेटर हैं, एग्जांपल के लिए कोई बंगाली है, एग्जाम्पल के लिए कोई बंगाली है तो उनको बांग्लादेश पे फुल ऑन फोकस करना चाहिए, क्योंकि बंगाली उनको आती है, वो उनको व्हाट्सअप कॉल या फिर मैसेंजर कॉल कर सकते हैं। जिसको लगता है, जिसको कहते हैं किसी को एग्जांपल कोई लैंग्वेज आती है जो उस कंट्री की पता है उनको, या जर्मन आती है या कुछ आती है, या उनको पता है कि थोड़ा सा आइडिया, या आप चैट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप उस कंट्री को टारगेट करो। यूके इंग्लिश है कोई भी कर सकता है, ये आप जरूर कीजिए। यूएसए है वहाँ पे भी इंग्लिश है आप कर सकते हैं, और हिंदी भी कर सकते हैं। इंडियन को वहाँ पे क्या टारगेट करेंगे फिर आप, इंडियन को जो इंडियन ज़्यादा हो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप से आपको इस तरह की चीज़ करनी है, ग्रुप में घुस के उनकी प्रोफाइल को जरूर चेक करना है, क्योंकि प्रोफाइल चेक नहीं करेंगे तो वो फेक प्रोफाइल भी हो सकते हैं, जिनका देखें ना 6-7 महीने उन्होंने पोस्टिंग करी है, उनको ही फ्रेंड लिस्ट या मैसेंजर पे जाएं राइट। इतनी चीज क्लियर? यस सर। राइट,
तो यहाँ पे एक चीज हो गई है ग्रुप में, फ्रेंड रिक्वेस्ट। आप सबसे पहले मैं आपको एक चैट दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि जिसको कहते हैं कैसे उन्होंने किया, या अभी जो मुझे अप्रोच किया उन्होंने स्टार्ट कैसे किया या क्या कहा मुझे। इंडोनेशिया, ये चैट आप लोग बेशक पढ़ लीजिए। मैं बिल्कुल नॉर्मली इनसे वो कर रहा था, इन्होंने कहीं पे भी कुछ नहीं किया पहले, आप देखेंगे। हेलो ब्रदर और गुड आफ्टरनून ब्रदर, हाउ आर यू डूइंग टुडे, और आई एम परफेक्टली समथिंग समथिंग, इंडोनेशिया बताया उन्होंने, अपना नाम कंट्री मुझसे पूछा, क्वेश्चन करे। देखो इन्होंने ज्यादातर मुझसे जब भी मेरे बारे में कुछ जाना था क्वेश्चन करने आपको। देखिए, वेल ब्रदर आर यू मैरिड, ठीक है ना, यहाँ तो इस तरह से उन्होंने सारी चीजें, अब मुझसे पूछना था उन्होंने कि आपके बच्चे हैं, तो उन्होंने अपने बारे में बता दिया। इस तरह से नॉर्मल इन्होंने इतनी उसमें में से कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज नहीं पूछी। लास्ट में उन्होंने पूछा क्या, आई एम ए ग्रेट ट्रेवलर हु ट्रेड सम कंट्रीज फॉर बिजनेस पर्पस, मैं बिजनेस के पर्पस से वहां पे जाता रहता हूँ, मैं मतलब उन्होंने बता दिया कि मैं इस तरह का फील्ड में हूँ, और मैंने कहा ओके ग्रेट। फिर इन्होंने लास्ट में मुझसे पूछा, सो ब्रदर व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तब मैंने बताया कि मैं भी जॉब करता हूँ एंड नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन आज का है ये। तो ऐसे डिस्कशन आपको भी नॉर्मल करना है, पहले एक रिलेशन बिल्ड करना है कि हाँ आप कौन हो, मैं कौन हूँ, आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, अच्छे हैं, आप कहाँ रहते हैं, क्या जो भी कुछ भी कर, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक दिन जिसको कहते हैं करेंगे, दो दिन करेंगे, तो हो सकता है एक हफ्ते में इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाए कि वो आपसे बातें करने लग जाएं, वो आपसे हाय हेलो करने लग जाएं। जैसे ऑलरेडी एक से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ है, हम लोग अभी इन जनरल बिल्कुल जिसको कहते हैं हाय हेलो हाउ आर यू ही करते हैं और कुछ नहीं करते, कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, राइट। तो ये हम लोग करेंगे। इसके अलावा जिसको कहते हैं, और हम इसमें देख लेते हैं और क्या बताऊं मैं आपको, ग्रुप्स बता दिया मैंने आपको, किसी को अभी कुछ पूछना है तो कृपया करके पूछ लें, ताकि फिर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। तो अभी तक की प्रेजेंटेशन में आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज करें। अगर अगर लग रहा है कि यहाँ कुछ पूछना हो, स्टोरी आपको लगाना है, रील आपको अपलोड करना है, और मैं छोटा सा चीजें बता दूं, यहाँ पे पोस्ट में ना कई बार हम लोग बता चुके हैं, पेज अगर आपको लगता है बनाना है अपना तो पेज बना सकते हैं वो, लेकिन मुझे लगता है अभी ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक और आपको जुड़ जाएगा कि ये भी मेरे को करना है, राइट। अरुण सर, मेरा एक सवाल है, आप प्लीज बताएं सर, स्टोरीज और रील्स में क्या अंतर है? स्टोरीज में भी वही वीडियो टाइप में होता है थोड़ा, और रील्स में भी सेम है, क्या नहीं गलत हो? नहीं नहीं सर, सेम है, स्टोरी भी सेम ही है, रील्स भी सेम ही है। रील्स में थोड़ा सा साइज जिसको कहते हैं छोटा ही होता है, बहुत कम का होता है, स्टोरी में थोड़ा सा बड़ा होता है, स्टोरी आप ज्यादा लगा सकते हैं। रील्स जिसको कहते हैं एक्चुअली पॉपुलर है, है सेम, ओके हाँ, लेकिन जैसे स्टोरी यहाँ पे देखेगी आपकी, जो ये स्टोरी लगा रखी सबों ने, ये स्टोरी है। रील्स में क्या है, रील्स आपकी यहीं पे चलती हुई नजर आएगी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 5 vs 5, यहीं पे वो स्टोरी जो रील्स है प्ले होती हुई दिखेगी आपको, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे स्टोरी दिखेगी और इधर वो चलते हुए आपने देखा होगा सबके, इधर चलते हुए वो रील्स होती है, और कोई फर्क नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, राइट। अब आपको सबसे पहले फेसबुक पे जब भी काम करना शुरू करेंगे, आप पोस्टिंग जब आप करेंगे तो रेगुलर पोस्टिंग आपकी होनी चाहिए, हम कई बार बता चुके हैं। सबसे पहले बिलीव सिस्टम, आप जिसको कहते हैं बिलीव होना चाहिए, आप जो कर रहे हैं जैसा भी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप गलत हो रहा है आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करते करते ही जिसको कहते हैं सही होगा, ठीक है। अब
हम चलते हैं थोड़ा सा जिसको कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम। देखिए इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा आपको सबसे पहले जो चलाते हैं सिर्फ ये उनके लिए हैं, जो नहीं चलाते हैं फॉलो कीजिएगा सबसे पहले, जिनको भी आपको लगता है कि हमको इनको फॉलो करना चाहिए। मतलब कि जैसे मैंने, आप देखेंगे सबसे पहले एटॉमी, ये सिंगापुर है, इसको मैंने फॉलो कर रखा है। तो यहाँ पे क्या आया, एक वीडियो चल रहा है, एक वीडियो चल रहा है इस तरह से, एब्सोल्यूट क्वालिटी डिश वॉशिंग, सर्च करें ऐसे करके, इसको हम लोग डाउनलोड करना है। तो सबको डाउनलोड क्लियर है, कैसे करते हैं? और प्लीज अगर आप बताएं नहीं, तो बेहतर रहेगा सर। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो तीन डॉट आप देख रहे हैं राइट साइड पे, इस पे क्लिक करना है हमको, कॉपी लिंक करना है, कॉपी लिंक। कॉपी लिंक किया मैंने, दो तीन तरीके हैं बट मैं आपको, सिंपल है, ऑल वीडियो डाउनलोडर ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैं ओपन कर रहा हूँ उसको, ये इसका है ऑल डाउनलोडर। ये आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सिंपल वहां से जो आपने कॉपी किया, जैसे देखेंगे ये मैंने कॉपी किया हुआ है, ये टर्की का है, ये मैंने इससे पहले जो किया था, सिंपल यहाँ पे आप दबा के रखेंगे और नीचे या पेस्ट, यहाँ मेरे नीचे भी आ जाता है, और या फिर पेस्ट और एंड गो, सिंपल गो। अब मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये आपके स्टोरी पे या आपके जो कहते हैं रील्स पे, और यहाँ पे सिंपल इसको रेड को दबाना है डाउनलोड। ये डाउनलोड जिसको कहते हैं यहाँ पे हो गया, ऐड चलेगी थोड़ी सी हमेशा इस पे, क्योंकि हम फ्री में कर रखा है, नहीं तो हमको पैसे देने पड़ेंगे। अब सिंपल इसमें जिसको कहते हैं, मैंने यही सेम चीज, या तो मैं इसका यहाँ से चाहता तो इसका ना टेक्स्ट भी कॉपी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इंग्लिश है, बहुत ईजी है, इसको दबा के रखना है, जितना मुझे लगता है कि भाई इतना कॉपी कर लेता हूँ मैं, अभी आपके लिए हिसाब से बता देता हूँ। यहाँ गए, उसी वीडियो को मैंने डालना है, प्लस पे निशान किया, क्लिक किया, ये आया, मेरा आवाज चला गया होगा, नहीं सर है अभी। अब आ गया, और राइट, और यहाँ पे गए राइट में, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट किया जो भी आपका वीडियो था, और यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा इसमें उनका कुछ टेक्स्ट ना हो, मतलब कि उनका कुछ ऐसा ना लिखा हो जिसमें आपको एडिट करना चाहिए था और आपने एडिट नहीं किया, तो यहाँ पे उनका कोई नाम नंबर कुछ नहीं है। अभी मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको सिंपल इसको ओके कर दूंगा। अगर आपके जिस लोगों ने रिक्वेस्ट दे रखी है, आप उनको टैग कर सकते हैं, ऐड लोकेशन, आप कहाँ पे इस प्रोडक्ट को मान लीजिए बता रहे हैं कुछ है, तो ऐड लोकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी, राइट। और इसी चीज को मैंने लिंक कर रखा है, देखिए नीचे आ रहा है मेरा फेसबुक अरुण एटॉमी इंडिया, इसको मैं ऑन कर दूंगा तो ये मेरे दोनों उस पे चला जाएगा, और इसको ऐसे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे भी स्टोरी भी है, यहाँ पे रील्स भी है, और यहाँ पे IGTV भी है, जो बड़े वीडियो हैं वो IGTV पे जाते हैं, जो छोटे होते हैं रील्स और स्टोरी पे लगते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए जिसको कहते हैं, मैं ये दिखाता हूँ, वॉइस में वापस आ गया हूँ। अब मुझे लगा कि भाई वो भी चीज़ वहाँ पे अच्छी थी और वो कुछ ठीक था, वीडियो का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 बड़ा। मुझको जो चीज़ अच्छी लगेगी हमने वो वहाँ से ले लेनी है और उसको डाउनलोड करने की कोशिश करनी है, तो वो वाली चीज़ नहीं आई देखिए यहाँ पे, तो अभी दोबारा से हम चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमको
वो चीज डालनी है। जैसे यहाँ पे मेरी जो चल रही थी वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है, सिंगापुर वाली आप देख रहे हैं। बस ये ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं, जिन लोगों ने मेरे को फॉलो किया हुआ है या फिर और भी बहुत लोगों को ऑटोमेटिक भी चली जाएगी। जब कोई अच्छी पोस्ट होती है वो ऑटोमेटिक भी वायरल सी हो जाती है, मेरे फेसबुक के थ्रू हो चाहे यहाँ के थ्रू हो। यहाँ पे हमको इंस्टा में भी जिसको कहते हैं छोटी सी, क्योंकि आजकल इंस्टा का जमाना थोड़ा ज्यादा है, यंग लोग इस पे होते हैं, तो यहाँ से आपको रील्स यहाँ पे बहुत काम करती है। छोटी छोटी रील्स जिसको कहते हैं, मैं एग्जाम्पल अगर आपको बोलूं, जिसको चाहिए मटेरियल आप जिसको कहते हैं मेरे यहाँ पे जो भी है आप लोग चाहें उस पर क्लिक कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वाला है, यहाँ पे गए, ये मैसेज मिल गया, यहाँ ऊपर गए, कॉपी किया, सारी चीज डाउनलोड करी और अपने उस पे डाल लिया। आप ऐसा कर सकते हैं किसी का भी, मेरा ही नहीं, जिस जिसको आपने फॉलो किया है। एग्जाम्पल के लिए देखो कहते हैं, मैं इन्हीं की बात करूं, अच्छा सॉरी ये स्टोरी पे है, यहाँ रील्स दिख जाएंगी आपको, जो रील्स मैंने अपलोड करी हैं यहाँ पे देखो तो बाकी फोटोज दिख जाएंगी, और हमने जिनको फॉलो कर रखा है उनमें भी सेम जाके, जैसे मैं अभी अपने में जा रहा हूँ ऐसे ही सेम जाके उनकी पोस्ट को भी कॉपी करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अब मैं इस पे गया, ठीक है, अब मुझे लगता है मेरे को ये वीडियो चाहिए या मेरे को ये वाला फोटो चाहिए, कोई भी चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे और सेम प्रोसेस, हमें लगता है चलो भाई ये पिक्चर अच्छी लग रही है मुझको, यहाँ तीन डॉट पे गए और इसको कॉपी पेस्ट किया और अपने उस पे डाल लिया। अब एग्जाम्पल के लिए ये टेक्स्ट है दूसरी भाषा का, तो इसको आप जिसको कहते हैं छोटा छोटा करके आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांसलेट एकदम से नहीं होता, तो आपको इसको छोटे छोटे कॉपी पूरा करना है, अपने कहीं व्हाट्सएप पे पेस्ट कर लेना है और छोटे छोटे करके इसका मतलब को इसको ट्रांसलेट करके अपनी इंग्लिश में या हिंदी में आप इसको डाल सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ से भी ये यहाँ इंस्टा से फोटो क्यों उठाने हैं, यहाँ के फोटो जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज यहाँ बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को ले लेंगे हम लोग, वेट करते हैं। कॉपी किया, फिर वही हम देखिए ये काम आप केवल कंटिन्यू करते रहो, अपने आप लोग ये वीडियो और पोस्टर और फोटो आपने डालना है, डाउनलोड करना है और पोस्ट करना है। ये आप यही सेम वीडियो आप फेसबुक पे डालो, कहीं पे भी डालो, स्टोरी पे डालो, अपने स्टेटस पे लगाओ, ये काम आपको लगातार करना है। टैक्स के बारे में मैंने बता दिया, आपको लगता है जैसे इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसको ट्रांजेक्शन सी ट्रांसलेट करा तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही वहाँ वाला जो है ट्रांसलेट हो जाएगा वो आपको पता चल जाएगा कि ये हमको लिखना है या उसमें क्या एडिट करना है। ध्यान ध्यान दीजिएगा, उनको थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर, पता चला सारी चीजें उनकी कुछ लिखी हुई है और हम नहीं समझ पा रहे, क्लियर। यहाँ पे अगर किसी को कुछ पूछना है तो किसी को कुछ पूछना, मेरी आवाज आ रही है, राइट। अरे सर बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन था मेरा कि जो टेक्स्ट जो हम जो करते हैं अगर फॉरेन लैंग्वेज में है वो यहीं पे ही कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, या पहले उसे गूगल पे जाके ट्रांसलेट करें और फिर वहां से उसे नहीं, कॉपी करके। ट्रांसलेट जिसको कहते हैं ना, इधर तो हो जाता है इंस्टा पे तो हो जाता है, लेकिन वहां से ना कॉपी नहीं होता, लेकिन इस वाले ऐप में ना, इस वाले ऐप में जिसको कहते हैं यहाँ ट्रांसलेट नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसलेट आप देख रहे हैं ट्रांसलेट का नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी को इंस्टा पे देखूंगा ना वहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जिसको कहते हैं ये हो गया, ठीक है ना, अब ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे ये सेम चीज हो गई, लेकिन वहां पे अगर मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ से इसको कुछ करोगे ना ये कॉपी नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या पता चल गया मेरे को, ये रशिया का है, मैंने कहाँ पे किया, रशिया वाले में किया है,
तो रशियन लैंग्वेज में जिसको कहते हैं ये था जिससे मैंने इसको कन्वर्ट करना है। अब मेरे को ये समझ में आ गया कि इसका टेक्स्ट जो है एक्चुअली ये जो वीडियो है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, या प्रोडक्ट है उसके लिए उसके हिसाब से बहुत अच्छा लिखा है, मेरे को इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा तो शायद एक अच्छा मैसेज हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें मुझको नहीं पता, मैं सबकी बात नहीं कहूंगा, जो लिख सकता है प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा वो लिखे, अदरवाइज कॉपी पेस्ट से भी बहुत बड़ा काम आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट, जीवन में अगर आपने अपना डुप्लीकेट पैदा कर लिया कॉपी पेस्ट, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ और यही करते हुए आ रहा हूँ मैं पिछले 2 सालों से। 2 सालों से मैं फेसबुक पे प्रमोट करता हूँ और उसी की वजह से आज मेरी जो भी टीम है वो बनी हुई है। क्लियर नितिन जी? यस सर, थैंक यू। आपका इसमें यहाँ पे और कोई क्वेश्चन? नो सर, नो सर। राइट, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं और करते नहीं है उसको लगातार। मैं सच बता रहा हूं, आपको जीवन में इतनी बड़ी सफलता मिलेगी आप सोच नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी सफलता मतलब एक दिन में नहीं मिलेगी, एक दिन मिलेगी, मतलब कि एक दिन ऐसा आएगा वो मिल जाएगी। हमें भी लगता था कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा हो गया कि बरसात आने लग गई, आइडियो की बरसात आने लग गई, बड़े बड़े लीडर्स आने लग गए। अगर मतलब कि एक छोटा सा बोलूं, अगर कोरोना वाला डिले नहीं हुआ होता ना एटॉमी का, सच बता रहा हूं आपको, हम पता नहीं किस पोस्ट पे होते, कितने बड़े बड़े लीडर्स जिसको कहते हैं वापिस चले गए। तो मुश्किल है लॉन्च होना इसका और समथिंग समथिंग, फिर माइग्रेशन का एक थोड़ा सा इशू आया, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से, या आप कह सकते हो हेल्थ प्रोडक्ट नहीं आया, तो लोगों ने एंट्रियां अनलिमिटेड लगाई हैं। और आपको भी जिसको कहते हैं जज नहीं करना है कि कौन पर्सन अच्छी आपको आइडिया देगा और कौन पर्सन नहीं देगा, सर्कल हो सकता है आपका, लेकिन आपको जज नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि उसके फोन बुक में कितने नंबर्स हैं और उसमें से कौन हीरा या कौन जिसको कहते हैं एक टॉप क्लास लीडर हो आपको नहीं पता, और आपको जज नहीं करना। उसके में नहीं हो, उसके वालों के थ्रू कोई हो या उसके वाले के थ्रू हो, वो कब मिलेगा आपको, उसको बिल्कुल भी जज नहीं करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया छोटा सा, जिसको कहते हैं इंस्टाग्राम वाला, इंस्टाग्राम पे ही आ जाता हूँ मैं वापस। बहुत सारे लोग इसको नहीं चलाते हैं इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बताता हूँ। इसमें भी सेम चीजें वही हैं, यहाँ पे भी आप मैसेंजर पे बात कर सकते हो उनसे, वही मैसेंजर आपको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादातर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉलो करते हैं लोग अपने आप, मुझे पता भी नहीं चलता है कि कौन किसने कर रखा है, मैं जानता भी नहीं हूँ, तो ऐसा ऑटोमेटिक हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक उनकी उनकी पसंद की चीज जब आएगी वो ऑटोमेटिक आपसे पूछ लेंगे ये क्या है। यहाँ पे आपको जिसको कहते हैं पोस्ट लगातार, छोटा सा वीडियो लगातार, और खास तौर पे आपके खुद का बना हुआ होगा तो लोग आपको जज करेंगे, नहीं तो जज नहीं कर पाएंगे कि आप हैं कौन, आपके साथ वो क्यों करें। ध्यान दीजिएगा, जो अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करेगा एज ए कॉन्फिडेंटली कि हाँ आई एम द ये, आई एम द वो, और मैं इस कंपनी को करता हूँ, आपको मेरे साथ ज्वाइन करना चाहिए। मैंने आपको जो कहते हैं यहाँ पे ये रील से नीचे अगर आप देखेंगे प्लस पे जाएंगे तो पोस्टिंग होगा, नीचे ये जो प्ले वाला बटन है इस पे जाएंगे तो वीडियो चल जाएगा, आवाज चली जाएगी, ठीक है, किसी ना किसी का रील्स है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको रील्स को देखो देखते हैं कितनी रील्स चलती होगी और कितना वो होता होगा। मैं क्लिक करता हूँ आवाज दूसरों की, अभी रील्स देखते हैं।
इस तरह से रील्स जिसको कहते हैं, बहुत सारे जिसको कहते हैं चलती हैं, यही आजकल का दौर है। सही बात तो हमको रील्स का प्रयोग जरूर करना है, हो सके तो छोटा सा, खास तौर पे फीमेल्स को बोलता हूँ, प्रोडक्ट हाथ में रखो, रेडी हो जाओ थोड़ा सा, कहते हैं ना हल्का सा जो भी मेकअप कह लो, और उस प्रोडक्ट के बारे में कहते हैं ना साइलेंटली भी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे देखो कहते हैं आजकल ऐप आते हैं छोटे छोटे, और आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बता देना है, अपने आप को बिफोर आफ्टर की तरह आपने अपने वीडियो को दिखा देना है, और कमाल हो जाता है, बहुत बहुत कुछ हो जाता है। आप करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा यहाँ से माइलेज ले सकते हैं, वो पूछेंगे लोग आपसे कि क्या है, कृपया बताएं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक पर्सन है जिसको मैं ये यूके से हैं, इनको आप इनके वीडियो आप सुनेंगे तो इनको बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ दिनों बाद ये यूके में बहुत बड़ी लीडर बनेंगी। मुझे नहीं पता आज इनकी क्या टीम है क्या नहीं है, लेकिन अमेजिंग पर्सन मतलब वो है, ये लेडी है, इनको देख के, क्योंकि इनको नॉलेज भी है, इनको देख के कोई भी जिसको कहते हैं, मैंने भी इनके वीडियो जिसको कहते हैं ऑलरेडी डाले हैं, आप लोगों ने शायद देखे। तो ये इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा माइलेज मिलेगी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। इनको भी आप सुन सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए वॉइस नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी एक सिंपली एक वीडियो चलाता हूँ, आप देखिए। अरुण सर स्क्रीन शेयर नहीं है शायद आपकी दिख नहीं रही है मतलब वीडियो जो भी आप शो कर रहे ओ हैं सॉरी करना सॉरी चाहते सॉरी सॉरी सॉरी, हैं मैं ये देखिए, इनकी आवाज तो नहीं आ रही होगी, आवाज आ रही है सर आवाज इनकी, नहीं सर नहीं आवाज नहीं आ रही अभी आ रही है आवाज, नो सर नीचे पढ़ सकते हैं इनको। मैं एग्जाम्पल के लिए अभी यही वीडियो जिसको कहते हैं डाउनलोड करके अभी हम लोग जिसको कहते हैं इसको चलवाते हैं, आप लोग इससे समझ जाएंगे कि आपको किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, राइट। हम इसको डाउनलोड करके अभी जस्ट डॉक्टर साहब को देते हैं, क्योंकि वो इसलिए चला पाएंगे क्योंकि उनका लैपटॉप है, तो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, शायद आप लोगों को हेल्प करेगा ये। जिनके लिए पॉसिबल हो छोटा सा ही सही, 1 मिनट का 2 मिनट का ही सही, इस तरह से अगर आप बता के फेसबुक पे और उस पर करेंगे तो अमेजिंग रिजल्ट आएंगे आपको। लेकिन वो इसी तरह से हो ताकि उनको समझ में आए कि आप कुछ अलग कर रहे हैं और कुछ नया कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अगर आपके पास जो होता है ये वीडियो आ जाए तो प्लीज़ सबको वॉइस क्लियर होगी, ताकि बस आपके पास पहुंचने वाला है और आप इसको प्ले कर दें 1 मिनट का, डॉक्टर साहब। यस सर कर रहा हूँ मैं राइट सर, थैंक यू। क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल YouTube का बहुत जमाना है, वीडियो का बहुत बड़ा जमाना है, आप पढ़ना कम चाहते हैं और सुनना ज्यादा सर चाहते हैं। डाउनलोड डाउनलोड हो रहा है सर हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे एग्जांपल के लिए हम वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं और ये पर्चे में लिख कर दे दें कि इसको पढ़ लो,
तो हम में से मुझे लगता है 5 लोग भी उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं, बताते हैं, वीडियो की तरह हमको, तो हम सुनना पसंद करते हैं। इसी तरह से आपको करना है ये सर। वैसे ही हो गया है कि हम अगर कोई ऑडियो सुने तो वो इतना ज्यादा नहीं हमें याद रहेगा, और अगर कोई उसका पिक्चर देखे तो वो माइंड में हमारे बिल्कुल छप जाता है। Yes. वो हमारे में से ध्यान रखते हैं। सेम वीडियो इम्पैक्ट छोड़ता है, और हम लोग सब लोग जिसको कहते हैं या तो बनाने से हेजिटेशन होता है कि microorganisms in cytokart. It's the good bacteria. It has a lot of functions. I'm gonna name just a few of them today. First, of course, probiotics help to balance the good and bad bacteria in your digestive system, and it's very important because 70% of your immune system is in your gut. So by producing lactic acid, probiotics help fight infections, viruses, and they strengthen your immune system. Probiotics also lower your bad cholesterol and normalize your blood pressure. Probiotic supplements are also known for improving such mental health issues as depression, anxiety, extreme stress levels, and others. One sachet of Artemis probiotics contains 12 kinds of different probiotics. It's more than 3 billion good bacteria. You can take one a day. You get 4 months supply of Artemis probiotics for only £45. Thank you for watching, and I'll see you next time. कैसा लगा डॉक्टर साहब, ज्यादा अच्छा बताएंगे इसके बारे में। जी सर, वाकई में बहुत ही शॉर्ट में मैं समझता हूँ इस प्रोडक्ट को, इतने शॉर्ट में बहुत जबरदस्त डिस्क्राइब किया। यस, ये पर्सन मतलब लेडी मेरे को बहुत ही मतलब और नॉलेज है एक्चुअली इसको। यस यस, तो इस तरह से एक मिनट में आप, जरूरी नहीं है आप इसका मतलब कहते हैं 10% भी बता देंगे ना, तो मुझे लगता है बहुत है। और हिंदी में बताएं, कैसे भी बताएं आप, राइट? तो मुझे लगता है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। राज मोहम्मद जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? इनको अनम्यूट कर दिया सर मैंने। ऑप्शन है राज मोहम्मद जी। राज मोहम्मद जी, आप अपने हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाहते हैं? जो भी क्वेश्चन है प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, हमने ऑप्शन दे दिया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट, इन्होंने एक्चुअली एक मुहिम सी चलाई, मतलब कि इन्होंने कहा मैं 1 मिनट 1 वीडियो आपको दूंगी। तो इनको इतने लोग फॉलो करने लग गए, इवन मैं भी, मेरे को भी लगा भाई ग्रेट नॉलेज दे रहे हैं और वीडियो भी इतना अच्छा बना रहे हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में सर इतना अच्छा बताने लग गए। एक मिनट में देखो होते हैं, एक मिनट में खत्म हो जाता है, जैसे भी बताते हैं अमेजिंग है। यस, तो अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो हम उस पे आगे बढ़ें। किसी का कोई क्वेश्चन, या कितने लोग इस तरह से करना चाहें करेंगे क्या, एक मिनट का वीडियो बनाने के लिए ट्राई करेंगे? कृपया ये ना सोचें कि मेरे को वीडियो बनाना नहीं आता। मोबाइल खोलें सिंपल, अपना जिसको कहते हैं कैमरा ऑन करें, फ्रंट पे जिसको कहते हैं आप चाहो तो जिसको कहते हैं सेल्फी की तरह आप वीडियो ऑन कर लें और उसमें बोलें और बना लें, या फिर अगर आपके पास कोई सुविधा है जहाँ पे स्टैंड की तरह रख सकते हैं तो आप रखें, और पहले से एक छोटा सा नोट बना लें कि मेरे को क्या क्या बोलना है। ये ध्यान दीजिएगा, बोलने वाले शब्द आपके पहले से प्रिपेयर की तरह एक लिस्ट की तरह होना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। कोशिश करें पहले 3 ही बातें बोलें, 3 ही लाइन बोलें, उसके बाद 4th लाइन नेक्स्ट में बोल लें अगर अलग। इस तरह से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ हो जाएगा दोस्तों, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कर नहीं पाते हैं थ्रू, मुझे नहीं पता कि वो अदर कंपनी की वजह से नहीं करते हैं, अपने ऑफिस की वजह से नहीं करते हैं, या समथिंग किसी वजह से नहीं करते हैं, वो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो कर सकते हैं वो तो करें। कि मैंने भाई साहब ये पेश किया था, मैंने आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा ये पेश जो है ना सच में वंडरफुल है। मैंने देखो कहते हैं मेरे दांतों के दर्द को ठीक कर दिया, बहुत शानदार था, इतना भी बोल देंगे ना चलेगा। इस तरह से अगर आप करेंगे, जैसे कोई भी जिसको जिस प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला हो, प्रोडक्ट हाथ में रखें
और बहुत नॉर्मली बिल्कुल बोलें कि मैंने ये सामान को यूज किया, इतने दिनों से यूज किया, इनके बताए हुए उससे मैंने यूज किया और आज मेरे को ये रिजल्ट मिल गया है, आपको लगता है ये परेशानी है तो आप भी मुझसे या उनसे पूछ सकते हैं। उनसे जब बोल देंगे ना, डॉक्टर साहब एग्जांपल के लिए, या फिर आप अपने किसी लीडर का नाम ले सकते हैं, किसी का भी, तो ऑटोमेटिक वो आपसे संपर्क करेगा क्योंकि उसको तो नहीं पता ना वो कौन है। यस सर, आप में से किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, कोई भी आपको संशय है, किसी बात पे समझ नहीं आई है। पोस्टिंग तो सबको आती है, यहाँ पे कोई नया तो नहीं है जिनको पोस्टिंग का भी नहीं पता, कॉपी पेस्ट का भी नहीं पता, हम फेसबुक पे जैसे करते थे, कोई नए पर्सन है क्या? आप यहाँ पे भी अगर हो सके जो हैं, यहाँ पे लाइव वीडियो भी जा सकते हैं, अगर आपको लगता है आपकी कमांडिंग अच्छी है वीडियो पे या बोलने पे, तो आप लाइव वीडियो भी जो कहते हैं करेंगे तो धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट जुड़ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको थोड़ा तो सुनेंगे, थोड़ा तो सुनेंगे कम से कम आपको, ये भी आप कर सकते हैं। और तो ऐसा कुछ नहीं है मुझे लगता है जो मैं और बताऊं। फोटो वीडियो आपको जब भी ऐड करना होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे और वही सेम चीज देखो कहते हैं, यहाँ पे जैसे वीडियो है कुछ भी है, हम उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सर, ऐसे देखो कहते हैं। मैंने बंद कर दिया था, हाँ मैंने बंद कर दिया था, डॉक्टर साहब को फोन करना था ना। मैं इसको डिस्कार्ड करके करता हूँ, फिर हमको नए लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे फेसबुक खुलता है, ऐसे चलता है, यहाँ पे लिखा होता है ऊपर राइट समथिंग हेयर, यहाँ पे कुछ लिखें या फोटो डालें, तो यहाँ पे फोटो वीडियो पे जाएंगे, अगर फोटो वीडियो लेना है तो हमको क्लिक करेंगे, और एग्जांपल के लिए ये वाला वीडियो या कोई सा भी वीडियो हमने ले लिया, ये ले लिया, नेक्स्ट किया, इसके साथ हमको लगता है कुछ डालना है, कुछ लिखना है, तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे और इसको पोस्ट कर देंगे। सिंपल, हम चाहें तो ऐसे भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दो शब्द जरूर लिखें कि ये क्या है, और आपको जो कहते हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऐसे करके पोस्ट कर। अगर ज़्यादा लोगों को पहुंचाना है तो टैग कर दें, उसके बाद इसको शेयर करें। शेयर किसको करें? ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? जो हमारे MLM ग्रुप, जो मैंने जैसे कि यहाँ पे बताए हैं आपको कई बार, कोई से भी ग्रुप जो आपको लगते हैं उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जिसको कहते हैं बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, स्टोरी मनीषा हिवारी जी की मैं दिखाता हूँ, स्टोरी जरूर लगाएं, बीबी क्रीम की इन्होंने लगाई हुई है देखिए, तो ऑटोमेटिक क्या है, अगर मैंने कोई लगाई होती तो मेरे को कितने लोगों ने देखा वो मुझे पता चल जाता। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने आपको बता दी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारी मैक्सिमम जिसको कहते हैं होनी चाहिए, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं आपके फ्रेंड, लेकिन चेक करके। मैं आपको एग्जांपल के लिए मतलब एक फेक की तरह दिखाता हूँ, क्योंकि आईडी एग्जांपल के लिए देखिए, अब ये हैं, इन्होंने एक ही है और कुछ नहीं है इनका, इसका मतलब ये बेकार है, कोई फायदा नहीं है इनकी, इनको एक्सेप्ट करके मेरे को, है ना। इस तरह से जरूर प्रोफाइल पे जाके चेक करें कि ये कौन है या कौन नहीं है, ये आपके लिए कोई फायदेमंद है भी या नहीं है, क्लियर। और सजेशन में अगर आप जाएंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, म्यूचुअल भी दिखाएंगे और वैसे भी दिखाएंगे कि इनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो और कुछ तो मुझे लगता है नहीं, और व्हाट्सएप ऑलरेडी आप लोगों को चलाना आता है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो हम बात कर सकते हैं। ओवर टू यू नितिन जी। बहुत बहुत
बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपने आज हमें बताया है सर। मेरे को बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस मीटिंग में उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे कुछ सीखने को मिला है। ऑब्वियसली आज अलग से मिला है कुछ सीखने को और मैं डेफिनेटली मैंने कमेंट भी किया था अभी इसी में अपने चैट में कि मैं जरूर करूँगा एंड यू विल पीपल सी सर। जितने भी मुझे यानी इसमें ऐड है मेरे साथ आप लोग में से आपको मिलेगा एंड दिस इज माय वर्ड आई विल डू इट रोज करूंगा। थैंक यू नितिन जी। आपको सबको बता देता हूँ क्यों करना चाहिए। एक बस एक मिनट लूंगा। यस सर प्लीज प्लीज सर। क्यों करना चाहिए फेसबुक या इस पे, क्योंकि साइलेंटली जब आप काम नहीं भी करते हैं ना तो ये जो पोस्ट हैं वो आपका काम करती रहती है, इसलिए करना चाहिए। आप सो भी जाते हैं तो भी इसका काम जारी रहता है। कोई रात को देखता है, कोई सुबह देखता है, कोई कभी देखता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा सा और वो दिखाता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं, मैं शेयर करके हाँ मैं दिखाता हूँ। मैं अपना व्हाट्सएप का स्टोरी दिखाता हूँ और स्टेटस दिखाता हूँ। 124 लोगों ने देखा है। अब मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ कि कितने बजे भी लोग देखते हैं इसको। सुबह 5:30 बजे भी देखते हैं, 5 बजे भी देखते हैं, रात को 1 बजे भी देखते हैं। इसमें दीपाली मैडम है जिन्होंने उठते के साथ ही 4:45 बजे मेरे स्टेटस को देखा। यहाँ पे रात को 12 बजे भी जिसको कहते हैं मेरे स्टेटस को चेक किया। तो यहाँ पे क्या है, साइलेंटली भी जिसको कहते हैं, और रात को 2-2, 3-3 बजे भी लोग देखने वाले देखते हैं ये लिखा क्या है, ये वीडियो है क्या। तो वो कब काम कर जाएगा आपके लिए कुछ नहीं पता दोस्तों। स्टेटस, स्टोरी, रील्स या इस तरह का जो भी वो हैं, जरूर डेली आपका अपडेट होना ही चाहिए। मैंने आपको एक बहुत बड़ा खजाना दिया है, कहाँ से ये मिलता है। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो सारी चीजें मिलती हैं, आप जो ढूंढोगे वो मिलेगा। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप टाइम देंगे तो कुछ भी मिलने वाला है आपको। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू अरुण सर, बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीजें आज आपने बताई है और डेफिनेटली इट वर्क्स। मैं अपने खुद का बताता हूँ, मैं अभी तक नहीं कर रहा था। वन डे मैंने स्टेटस लगाया था, कम से कम 20-25 मेरे जितने भी यार दोस्त है करीबी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये क्या है। जब ये बात है, जब मैंने अपना एजेंट लेवल का स्कोर अचीव किया था तो मैंने अपना पोस्ट लगाया था कि आई हैव अचीव्ड 3 लाख पॉइंट्स। तो दोस्तों ने कईयों ने ये भी पूछा कि भैया आपको 3 लाख रुपीज मिल गए हैं क्या? तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ था कि ये है, बट समहाउ उसको कंटिन्यू नहीं किया और उसका परिणाम है कि हाँ मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। भी फ्रेंकली मैं जो होता है वो बताता हूँ यहाँ पर। और बट इसी को ही सोच के आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये मतलब ये आज से होगा, मैं बिल्कुल करूंगा, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे करूँ, व्हाट्सएप पे करूँ, फेसबुक पे करूँ, इंस्टा पे करूँ, किसी मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप पे 100% करना है। बिल्कुल 100% मतलब चाहे 24 घंटे के लिए रहता है आपका, हर दिन एक टाइमिंग मान लो आप, आपको लगता है 1 बजे करूंगा सुबह, सॉरी दिन में 1 बजे करूंगा, या सुबह 10 बजे करूंगा, या रात को 10 बजे करूंगा, या 9 बजे, कभी भी कोई भी एक टाइमिंग, या दिन में किसी भी समय जरूर करूंगा। 2 पोस्ट ही डाली, 1 वीडियो ही डाला, 2 फोटो ही डाली, 1 मैसेज ही डाला। अब मैंने क्या दिखा रखा है वहां पे, आपको जो जो लोगों को बोलना है और जिनको आप बोलना नहीं चाहते हैं वो अपने आप बोलेगा। कौन बोलेगा? आपका स्टेटस। कौन बोलेगा? आपका स्टोरी। कौन बोलेगा? आपकी रील, आपकी पोस्ट। और उनके भी लोगों को कौन बताएगा? टैग, टैग कर देंगे। जी कंटिन्यू। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों को भी करना चाहिए और जितना मैं एक्साइट हुआ हूँ आप भी होने चाहिए। बिल्कुल, अगर मेरे है कुछ है कमी, देखिए हर एक में होती है, कोई कुछ तरीके से नहीं कर पाता तो दूसरे तरीके से काम करता है। तो ये चीजें बिल्कुल सही कहा अरुण सर ने कि साइलेंटली वर्क करेंगे आप, जब एक्टिवली वर्क भी नहीं कर रहे होंगे तब भी ये पोस्ट, ये व्हाट्सएप स्टेटस, ये हमारा काम करते रहेंगे। फेसबुक में पोस्ट है, वीडियो है, रील्स है, ऑब्वियसली दे विल वर्किंग, क्योंकि कोई ना कोई तो उन्हें देखेगा। बिल्कुल, और आजकल आपको सभी को पता है कि सोशल मीडिया में सारे ही कुछ ना कुछ टाइम बिल्कुल बिताते हैं, एंड वी इंडियंस
अमंग द वर्ल्ड वी इंडियंस आफ्टर चाइना स्पेंड द मोस्ट टाइम ऑन द सोशल मीडिया, ये आप सभी को भी पता होगा शायद। सोशल मीडिया पे हम चाइनीज के बाद नंबर टू पर है पूरे वर्ल्ड में, जो सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी टाइप का वीडियो फिल्म व्हाटएवर उसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्यों ना ये टाइम हम इस पे करें। हम चाइना से भी आ गए सर, हम चाइना सॉरी सर मैं अपडेट नहीं हुआ, थैंक यू टू अपडेट मी सर। हाँ हम चाइना से भी आगे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ चीजें मतलब कि रूल्स हैं चाइना के जो वहाँ पे वो चलने नहीं देते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म, इसलिए हम उससे भी आगे हैं। 32 करोड़ यूजर्स हमारे फेसबुक पे हैं और मतलब व्हाट्सएप पे देखो कहते हैं आप सोच लो कितने होंगे। इसलिए मैंने कहा व्हाट्सएप तो 100% आपको स्टेटस लगाना ही लगाना है, कुछ ना कुछ आपको डेली किसी को ना किसी को शेयर करना ही करना है विद मैसेज फोटो या वीडियो। एक दिन मैसेज, एक दिन फोटो, एक दिन वीडियो, कुछ भी हो सकता है। आपको खजाने का रास्ता मैंने दिखा दिया है कि यहाँ पे मिलता है। मेरे फेसबुक पे आपको फोटो से ही बहुत सारे मिल जाएंगे या फिर इंस्टा पे चाहोगे मेरे या अदर किसी के मिल जाएंगे। डाउनलोड करना मैंने आपको सिखा दिया है। यूट्यूब को आपको लगता है छोटा सा और दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं यूट्यूब से भी जो कहते हैं जो अच्छा लगता है डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉलो करना है सबसे पहले तो सबको, वीडियो चलेगा एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। नितिन जी दिख रहे हैं? लेकिन मैं क्या करूंगा, हाँ मैं क्या करूंगा इसको स्टेटस पे लगा दूंगा, इसको रील्स पे लगा दूंगा, इसको किसी पे लगा दूंगा। है ये कनाडा का क्या कुछ है, लेकिन माइंड में उनके कुछ घुसेड़ना है मुझको तो मैं घुसेड़ दूंगा। क्लियर? और बहुत सारे लोग मैं सच बता रहा हूँ, मैं बोलना तो नहीं चाहता, कुछ टीमें ऐसी हैं जो मेरे स्टेटस पे नजर मारती है और विदन जिसको कहते हैं ना 10 मिनट्स मुझसे वो सामान मांग लेती है कि प्लीज सेंड मी सर। सच बता रहा हूँ आपको मैं, जल्दी मैं भी होने जा रहा हूँ सर उसमें से। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम, और सबको मैं वेलकम करता हूँ क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। इस तरह से मैं बहुत सारी चीजें डाउनलोड करता रहता हूँ, मुझे लगता है मतलब बोलना नहीं चाहिए, चाहे वो एटमी इंडिया ही क्यों ना हो, वो भी जिसको कहते हैं 6-6 महीने बाद वो वीडियो दे रही है जो मेरे पास 1-1 साल पहले थे। तो मैंने बहुत सारे वीडियो, आज भी मेरे पास कम से कम मुझे लगता है 700-800 वीडियो से ज्यादा है। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों। आप में से अभी मैं दोबारा पूछता हूँ कि किसी का किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप प्लीज रेज कर सकते हैं हैंड अपना, तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, हमारे सभी सीनियर्स लीडर्स हैं यहाँ पर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं है सर। और हम अच्छी बात है क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं हो विषम जी, विषम सर ओके तो फर्स्ट थे, मैं लीव हो गया था, मैं पता नहीं किस वजह से बाहर हो गया था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड देखिए जब भी हम लोग कोई बात करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का टॉपिक पे बात करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो लोग मीटिंग में नहीं होते हैं या फिर जो लोग नहीं सुनते हैं बातों को, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि चाहे कोई भी पॉजिटिव बात हो या कोई नेगेटिव बात हो, जब किसी के साथ शेयर की जाती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है जरूर। आप कितने भी किसी चीज के लिए नेगेटिव हो, मान लीजिए मैं नितिन जी को लेता हूँ, नितिन जी कितने भी नेगेटिव थे एमएलएम के बारे में या नेटवर्किंग के बारे में, बट जैसे ही हमने बात करना स्टार्ट किया, आई थिंक तो मेरी 10-12 बार बात हुई होंगी, तो यस 10-12 बार बात हुई होंगी, और 10-12 बार बात होने के बाद में शुरुआत में बहुत नेगेटिव थे, फिर नेगेटिव थे, फिर नेगेटिव थे, थोड़ा सा पॉजिटिव, फिर
नेगेटिव 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 थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव 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 थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, मतलब जितनी बार भी हम लोग बात करते थे उतनी बार एक चीज इनके दिमाग में जाती। आज के सेशन को लेकर के मैं बोलूंगा, भले ही हम लोग, मैटर नहीं करता कि 100 नहीं है, मैटर ये नहीं करता कि 50 नहीं है, मैटर ये करता है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोग ये फिक्स कर रखा है हमने कि हम लोग अरुण जी का जो सेशन है वो हम लोग रखेंगे ट्यूजडे। और बार बार जब दिमाग में हिट करेगी बात को तो आप डेफिनेटली मजबूर हो जाएंगे वो चीज करने के लिए, और जब मजबूर हो जाएंगे करने के लिए तो जिस रिजल्ट की तलाश में आप लोग हैं सभी, वो रिजल्ट आएगा 100%। लोग कभी ना कभी देखेंगे आपकी डील को, देखेंगे आपके पोस्ट को, देखेंगे आपके डिस्क्रिप्शन को, देखेंगे जो भी आप यूज करते हैं, स्टेटस को देखेंगे, स्टोरी को देखेंगे, आपके काम को देखेंगे, और वन डे दे विल कॉल यू कि यस हमें इस चीज की जरूरत है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो कोई भी है, पॉजिटिविटी की बात शेयर कर रहे हैं। जैसे अरुण जी ने बताया कि डेफिनेटली हमें डेली बेसिस पे शेयर करना चाहिए, कभी हम लोग कुछ पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, कभी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, कभी रिटन में कुछ मैसेज पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव मैसेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या बिजनेस की इंफॉर्मेशन हो, इट वर्क्स 100% काम करती है। और यही हमारा उद्देश्य रहता है, मोटो भी यही रहता है, हर वेडनेसडे को, सॉरी ट्यूजडे को हम लोग अरुण जी का सेशन कराएं। और जैसे बार बार बोल रहे हैं अरुण सर की, मतलब आप करें उसका निश्चित ही फायदा होगा और 100% होता है। उसी का नतीजा है कि मैंने अभी बात, जैसे मीटिंग चल रही थी अभी, मैंने रील भी पोस्ट कर दिया, अपना एक मैसेज भी पोस्ट कर दिया है ग्रुप में कि भाई उस रील को देखें और लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मतलब उस पर काम हो सके। और आप जो भी रील या पोस्ट, रील या फिर पोस्ट डाल रहे हैं उस पर, तो अपना ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, सो दैट और लोग भी लाइक करें। देखिए एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, मैं जनरली करता हूँ लेकिन कभी कभी मेरे को याद नहीं रहता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ, बट आज से जरूर करूंगा। एटमी से रिलेटेड कोई भी पोस्ट आपको नजर आए फेसबुक पे तो उसको लाइक और कमेंट जरूर करें, सपोर्ट डजंट मैटर कि वो अरुण जी का है, हमारा है, या आपका है, या क्रॉस लाइनिंग का है, किसी का भी। उससे क्या होगा कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारी पोस्ट आती हैं उस पे 3 लाइक्स होते हैं, इसका मतलब है वो अच्छी तरीके से, मतलब जो लोग बाहर के देखते हैं ना, हमें तो पता है ठीक है कि भाई नहीं, हमें तो ये इन्फॉर्मेशन पता है, हम क्यों लाइक करें या क्यों देखें या क्यों शेयर करें या फिर क्यों कमेंट करें उस पे। कई बार मैं अपनी बताता हूँ कि यार ये तो हमें पता ही है तो लाइक करने की क्या है, बट जो सामने वाला, जो भी अननोन पर्सन होता है, वो देखता है कि इस पे कितने लाइक्स आए। यस, और इन लाइक्स को आप रेटिंग की तरह देख सकते, रेटिंग की तरह ले सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आप परचेज करते होंगे तो रेटिंग्स में जाते हैं, इस प्रोडक्ट की रेटिंग देखते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कैसा है, और वहाँ पे रेटिंग एंड कमेंट्स देखते हैं। यहाँ पे भी आप एज ए फैमिली, एटमी फैमिली, कोई भी पोस्ट कर रहा है डजंट मैटर, उसको लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, वाह क्या प्रोडक्ट है, मैंने यूज किया है, इसके फंटास्टिक रिजल्ट है, यदि यूज किया है। ओके, तो ये एक यूनिवर्सली क्या होगा, एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और आपको पता है कि वट एवर वी डू वी टेक बैक, जो भी हम करते हैं वो हमारे पास वापस आए, तो हम लाइक करेंगे तो हमारे पोस्ट को भी कोई लाइक करेगा, हमारे कमेंट में हमारे, ऐसा होता है, आप जनरली जानते हैं ऐसा होता है कि जब आप किसी के पिक्चर को लाइक करते हैं तो उसे अच्छा लगता है और वो भी आपकी पिक्चर को लाइक, और जब आप लाइक नहीं करते हैं उसे पता है कि इसने देख लिया है और लाइक नहीं करते हैं तो वो आपकी पिक्चर को लाइक नहीं करते, ऐसा होता है। तो कर भला तो हो भला, हम लोग सबकी पिक्चर। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आज का एग्जांपल देता हूँ सर, लाइव
मैं ऑफिस से जस्ट निकला, और निकलने के बाद जिसको कहते हैं, मैं देखा कि एक आम की रेडी थी, वो चल रहा था, तो मैंने कि लास्ट है ले लेता हूँ हाँ आम। पूछा मैंने, रेट पूछा, और उसने मुझे बताया कि भाई 100 के 2.5 किलो। मैंने क्या 3 किलो दे देगा क्या, ले हाँ जाओ। मैं रुका, हाँ मैं रुका, मैं रुका, उसके बाद दूसरा रुका, तीसरा रुका, और सच बता रहा हूँ 20 लोगों ने आम मतलब ऐसा घेर दिया उसको जैसे फ्री में दे रहा था वो। हाँ सर जहां भीड़ होगी ना, कमेंट और लाइक उसी से रिलेट करता है। जहां पे यस ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे ना, आप देखना उस पे और लाइक और कमेंट आएंगे, यस तो यस ये बहुत बड़ी बात है विषम जी। और आप कभी भी देख लेना, जितने भी जिस पे ज्यादा आप लाइक या वो देखते हो, आप उसको देखना जरूर पसंद करते हो। जरूर पसंद करते हैं, तो इसीलिए बाहर वाले लोग भी उसको आपके या उनके जरूर पसंद करेगा, लाइक करेगा। अब सोचिए जैसे हम लोग यहाँ पे 28 पर्संस हैं, ओके, और 28 पर्संस डेफिनेटली एक दो को छोड़ करके सभी फेसबुक पे होंगे, और मान लीजिए अरुण जी का कोई पोस्ट आता है तो एटलीस्ट 28 लाइक तो आज के बाद आएंगे। और जब 28 लाइक ये वाले आएंगे, और जो नॉर्मली आते हैं 20, 25, 40, 50 जितने भी आते हैं उसमें ऐड कर देंगे, तो सामने वाला बंदा रुकेगा, स्क्रॉल नहीं करेगा ऊपर, रुकेगा, यार सुनो तो सही, देखो तो सही क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है इनकी वीडियो। ओके, तो ये फिर आपको वापस आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त सेशन था, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था, और नो डाउट हमें बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन एनीवे यदि 28 हैं तो 28 हम लोग 280 कर सकते हैं, 280 से 2800 भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ओके सर, थैंक यू सो मच यस डॉक्टर सर, डॉक्टर साहब। यस यस अरुण सर, थैंक यू वेरी मच। और आज की मीटिंग में चाहे बेशक 28 लोग हैं, बट इंपीरियल मास्टर बनने के लिए अरुण सर को 2 ही लोग चाहिए थे, तो ये 26 लोग एक्स्ट्रा है, तो और किसी के इंपीरियल मास्टर बनने में काम आ जाएंगे। बस तो साथ होने चाहिए सारे लोग, मेरे लिए तो यही है, मैं तो चाहता हूँ जितनी मेरी आईडी है उन सब की उतनी ही है, लेफ्ट राइट आईडी हो सर। राइट सर, सर तो थैंक यू वेरी मच सर पहले तो। और सबसे अच्छी बात है कि एक एक कॉमन सी बात और अच्छी बात सबसे क्या होती है, जो सर ने बोला कि जब आप एक रेगुलर वर्क को करते हैं, और लोग बड़े स्मार्ट है आज के टाइम में। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं, लोग बड़े स्मार्ट है। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट कंपनी मैंने ज्वाइन किया, और मैंने जब कंपनी ज्वाइन किया तो जो मेरे पेशेंट्स आते थे, तो उसमें से एक सरदार हैं जो इस समय 8 मैचिंग एटमी से ले चुके हैं, और एटमी का स्पेलिंग भी नहीं पता उसको। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आठ अरे मैचिंग ले चुके हैं, अच्छे अच्छे लीडर ने ले लिया होगा, और यस उस बंदे को 8 मैचिंग आ चुकी है, एटमी का ए नहीं पता, और उसको अपना आईडी पासवर्ड खोलना नहीं आता। मैं आपको कमाल की बात करता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने उसकी बिलिंग कर दी थी एक बार। तो उस आदमी का, जब मैंने लास्ट कंपनी में था, और लास्ट कंपनी में जब मैंने काम शुरू किया, और जब मैंने उनको उन्होंने देखा मुझे फेसबुक वगैरह में, तो उसका पहला स्टेटमेंट क्या था, क्या डॉक्टर साहब फालतू के काम में लग गए, डॉक्टरी करो ना यार, आप क्यों अपना दिमाग भटका रहे हो आप। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस समय मुझे बहुत बुरा लगा कि बंदा ऐसे बोल गया मुझे, और मुझे नॉलेज भी नहीं था नेटवर्किंग का, और ऊपर से उसने ऐसे बोल दिया, तो मुझे बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊं अपनी फीलिंग, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आई। तो उसके बाद रेगुलर उसने मुझे फेसबुक में देखना शुरू किया, फेसबुक में वीडियोस मेरे मैं पोस्ट करता था, और वीडियोस पे लाइक्स बहुत होते थे, कमेंट्स बहुत होते थे। 1-1.5 साल के बाद उस बंदे का मेरे पास, जब वो आया, आता रेगुलर था, लेकिन 1.5 साल के बाद का कमेंट बता रहा हूँ, उस बंदे ने कहा क्या बात है डॉक्टर साहब, आप तो बहुत ज्यादा फेसबुक में छाए हुए हो, यूट्यूब में ना बहुत ज्यादा छाए हुए हो, ऐसा है क्या ये बताओ ना। मैंने कहा यार छोड़ो ना फालतू की काम, फालतू का काम है ये, तो मेरे उस दिन के लाइन मेरे को चुभते हैं आज तक। मैंने छोड़ो फालतू के काम है यार, आपके आपको नहीं करना चाहिए सब काम। कहता नहीं नहीं यार मजाक, तो मैं तो मजाक कर रहा था। और उसने उस लास्ट कंपनी में मेरे साथ आईडी लगाई, और बस प्रोडक्ट यूजर था। एग्जैक्टली जब मैंने ये किया, तो कहते अब उसका फिर वही स्टेटमेंट, यार डॉक्टर साहब आप तो उस समय तो कह रहे थे वो कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, आज कह रहे हो इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं। मैंने कहा यार अच्छे जब मिलेंगे तो अच्छा ही बोलूंगा ना, कहाँ से खराब बोलूं।
मैंने कहा चलो यार आधार कार्ड पैन कार्ड दो आप छोड़ो, तो एक विश्वास तो बिल्डअप था। उसने आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया और मैंने उसकी आईडी लगा दी। और मैंने कहा कुछ दिन बाद आए उनको मैंने कहा कि आप बताओ कुछ लोगों से तो मिलवा दो यार। तो उन्होंने अपनी भांजी को भेजा स्वर्ण कौर को मेरे पास, और उनको पता था वेस्टीज में ये काम करती है, और मुझे लग रहा था मतलब मैंने कहा चलो आई है तो इन्फॉर्मेशन देने में क्या बुराई है, मुझे लगा था वो आएगी नहीं करेगी नहीं। और नतीजा आपके सामने है कि एक आदमी जिसको एटॉमी का ए नहीं पता, जिस आदमी को अपनी आईडी खोलनी नहीं आती, उसके पीछे आपको स्वर्ण कौर है, पूनम शर्मा है, परम लंदन से है, और 8 मैचिंग वो इस कंपनी से ऑलरेडी ले चुका है। तो ये था क्या, ये थी स्टेबिलिटी। जब आप रेगुलर स्टेबल होते हैं एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे, तो डेफिनेटली आपको लोग पहचानना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, ये अपने मुंह से थोड़ी सी अपने लिए ज्यादा बड़ाई हो जाएगी, बट मैं जनरल सिर्फ अरुण सर के बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। जब मैं किसी भी लास्ट कंपनी में किसी भी बड़े मीटिंग्स में जाता था तो लोग मुझे डॉक्टर एस के मुंद्रा नहीं बोलते थे, कहते थे ये यूट्यूब सेंसेशन वाले सर आ गए। और आप हैरान हो जाएंगे, इतने लोग सेल्फी लेते थे कि लोग मेरे अप्लाइंस परेशान हो जाते थे मुझसे कि ये क्या चक्कर है। मैं थाईलैंड गया, थाईलैंड में जिसको मैं जानता भी नहीं था, उन लोगों ने इतने वीडियोस मेरे लिए और इतने छोटे छोटे कि आप 2 मिनट बोलिए, 5 मिनट बोलिए, अब हमारे साथ सेल्फी लीजिए। मेरे जो टॉप अप्लाइंस थे वो परेशान हो गए थे कि ये जस्ट इतने छोटे लेवल पे है तो इनकी पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा क्यों है, और वो सब वजह क्या थी, यूट्यूब चैनल। तो आप सोच सकते हैं कि फ्री में चैनल बनता है, फ्री में आप काम करते हैं। और सच बताऊं आज भी आप मेरे साथ उस ऑफिस में चले जाइए, कंपनी के हेड ऑफिस में, और आपको आज भी अगर लोगों ने सेल्फी नहीं ली ना तो बेकार है, जबकि मैं उस कंपनी में कुछ नहीं करता हूं। तो ये अरुण सर जो आपको दे रहे हैं ना, आपको खुद नहीं पता है, जब आप उस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको याद आएगा एक दिन कि यार मुझे तो एक पोस्ट भी नहीं करना आता था, ये देन किसकी है। तो ये अरुण सर की देन है जो आपको क्या पॉपुलरिटी दे दे, क्या मुझे, मैं बताऊं मुझे यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता था। उस कंपनी को ज्वाइन किया, मैंने वीडियोस देखे, सब कुछ समझा देखा, और मैंने चैनल बनाया अपना, कैसे करते हैं लोगों से पूछा, और वो हालत ये हो गई कि इतने सारे व्यूज हैं और सारे पॉजिटिव व्यूज हैं, कमेंट्स आप पढ़ो सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस चीज, जो चीज आपको फ्री में मिल रही है, फ्री आपको एजुकेशन, देखिए एक बात और ऐड कर देता हूँ, लास्ट कंपनी में इतना अच्छा सोशल मीडिया को यूज करने के लिए, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी किसी ने भी टॉप अपलाइन से लेके डायरेक्ट अपलाइन तक किसी ने भी इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया सोशल मीडिया का, जो कि आपको रेगुलर बेस पे मिल रहा है। और मैं कहता हूँ वो लोग अभागे जो आज की मीटिंग में नहीं थे, या ओवर स्मार्ट है जिनको लगता है हमें आ गया, और गारंटी है वो लोग एक पोस्ट भी नहीं डालते होंगे, ये भी गारंटी है। तो आप सोचिए कि जो 28 लोग यहाँ बैठे हैं, या तो वो पागल हैं या वो समझदार हैं जो आज मीटिंग में नहीं है। अब क्या है भगवान जाने, ये तो भगवान ने मेरी बात छीन ली आज, मैं यही बात पूछने जा रहा था। चलिए ऐसे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अपने को यही करना है, जितने 28 लोग हैं कोशिश ये करनी है कि 28 लोग चार चार पांच पांच लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें अपने लेवल पे कि ऐसी मीटिंग्स को छोड़े ना, क्योंकि जितने बार भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ मिस कर रहा होगा, वो एडिशनल आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा। तो थैंक यू अरुण सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, आई भी सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, साउंड आ रहा है सर क्लियर? बिल्कुल सर, ओके थैंक यू सर। मैं ये जो सेशन आप आज दे रहे थे, दिया है, मैं इसी के बारे में बात करूंगा। विक्रम सर भी सही बोल रहे थे, डॉक्टर साहब भी सही बोल रहे थे, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि, और विक्रम सर से, कि ये सेशन है ना सर, एवरी वीक एक बार तो वीक में कहीं ना कहीं होना ही चाहिए आपका सेशन, क्योंकि अभी यूथ या जनरेशन कहें जो भी कह लें हम लोग, हर एक आदमी सोशल मीडिया पे ही एक्टिव है, और ई कॉमर्स बिजनेस होगा ही नेटवर्क
नेटवर्किंग बिजनेस होगा ही ऑनलाइन ई-कॉमर्स, राइट। तो ये सेशन सर मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जरूर आप करें। और वो आपने एक बात बोला था बीच में, कॉपी पेस्ट करके भी बहुत कुछ किया जाता है। रियली में जमाना ही कॉपी पेस्ट का है। आज तक जितने भी सफल लोग हुआ है किसी ना किसी का कॉपी पेस्ट किया है जरूर। यस। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर ये सेशन होना चाहिए, एवरी वीक एक दिन तो फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल सर, सर हम कोशिश यही कर रहे हैं, ट्यूजडे ऑलरेडी हो रहा है और विषम जी हर बार जरूर इसको कराते हैं। कंटिन्यू फिक्स है और हम लोग आगे भी फिक्स रहेंगे, बिकॉज जैसे इसकी पॉपुलरिटी और जैसे इससे रिजल्ट मिलते हैं हमें, चाहे मतलब कितनी भी हमें भीड़ हो या कितना भी लोग हमारे पास, बट इट इज फिक्स्ड फॉर अ रूम सर। बिल्कुल सर, बिग थैंक यू फॉर यू सर। लोग कंप्यूटर को भी नहीं समझ रहे थे, आज बिना कंप्यूटर का जॉब नहीं है। जिस दिन सोशल मीडिया का पावर लोगों को समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एटोमी बिजनेस के लिए या कोई भी काम के लिए, बहुत जल्दी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और वेरी सून 3 से 6 महीने में लोगों को समझ में आ जाएगा कि पावर क्या है सोशल मीडिया का। और ये जो 28 या 26 लोग हैं ना, जैसे अभी 9:24 हो गए हैं, ये स्टेबल नंबर है हमारा। जितने भी आप 26 से 28 लोग हैं, 25 लोग हैं, ये स्टेबल नंबर है। और ये स्टेबल नंबर हमारा नो डाउट आगे आने वाले 6 से 12 महीने में बहुत बड़ा गुल खिलाएगा, बहुत ही अच्छा आपका लेवल होगा, बहुत अच्छी रिटेलिंग होगी आपके पास, लोग अच्छे अच्छे होंगे, आपकी जो टीम होगी वो बहुत जबरदस्त होगी। थैंक यू अरुण सर। तो हम यहीं पे इस मीटिंग को एंड करते हैं, ओवर टू यू। थैंक यू। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो एक दिन मैंने बोला आपको, इसको सिर्फ छोटे से छोटा जैसा मर्जी आप स्टार्ट करो, सिर्फ स्टार्ट करना, एक दिन ये आपको ब्रांड बना देगा, एटॉमी का ब्रांड बना देगा। लोग आपसे सलाह मांग रहे होंगे कि मैं इस चीज के लिए क्या चीज यूज करूं, क्यों? क्योंकि आप बालों का फोटो भी भेज रहे होंगे, आप दांतों का भी भेज रहे होंगे, आप स्किन का भी भेज रहे होंगे, आप घर की धुलाई का भेज रहे होंगे, समथिंग 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 समथिंग, मतलब कि आप हर एक चीज का, उनको ये लगेगा कि डॉक्टर हैं क्या आप इन चीजों के, या एक्सपर्ट हैं क्या। अपनी प्रोफाइल को भी थोड़ा सा, जो लोग कर सकते हैं प्रोफाइल को भी, आपका फेसबुक प्रोफाइल जो है उसको भी सेट कर लें, उसमें भी कुछ एक ऐसा बायोडाटा बनाएं अपना कि आप एटॉमी में क्या हैं, आप एटॉमी में क्या करना चाहते हैं या क्या विजन है आपका, इस तरह से भी थोड़ा सा आप जरूर चेंज कीजिएगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा और आप इसको करेंगे जरूर, क्योंकि अगर आप करेंगे तो सच बता रहा हूँ होगा ही होगा। एक दिन जैसे मैंने आपको दिखाया, ये 4-5 दिनों में, वो चाहे मैं यूके वाले उसमें पोस्ट कर रहा हूँ या मेरे को किसी ने वहां से ऐड किया है, कम से कम इस समय 6 से 7 लोग हैं अलग अलग कंट्री के जो मुझको खींचने के लिए विद सोशल मीडिया के थ्रू मुझको खींचने के लिए मेरे को अप्रोच कर रहे हैं। मैंने आपको लाइव दिखा दिया और एक नहीं है, आप कहोगे तो मैं बहुत सारे दिखा सकता हूँ, लेकिन वो सारे लोग जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट वाले हैं तो उनको प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी से समझ आता नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी रिलेशन बना रहा हूँ तो मे भी हो जाए। एक ने मुझे एब्सोल्यूट खरीदने के लिए बोला कि यस आई कैन यूज, जो यूएसए की थी, मैं इसको यूज करना चाहती हूँ। क्या बात, यस तो ऐसे ही होगा। थैंक यू, कल मिलते हैं, सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Oh, thank you.